नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका में 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला। मुफ्त बिजली पर सिद्धरामैया की टिप्पणी से कर्नाटका में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जेडीएस विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हो सकता है, एचडी देवेगौड़ा ने दिए संकेत। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक प्लाटर, फिश प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका सरकार ने मंगलवार को 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग डीपीआर की अधिसूचना के अनुसार कपिल मोहन को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार पांडे को समवर्ती प्रभार से मुक्त किया गया है। उमाशंकर एसआर को अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा और मंजुनाथ प्रसाद एन को सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में तैनात किया गया है। केएसआरटीसी के एमडी वी अंबु कुमार को सचिव कृषि विभाग बेंगलुरु और मोहनराज केपी को सचिव बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेंद्र कुमार कटारिया को समवर्ती प्रभार से मुक्त किया गया है। डॉक्टर रिचर्ड विंसेंट डिसूजा सचिव योजना कार्यक्रम निगरानी और सांख्यिकी विभाग सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा गिरीश आर को निदेशक खान और विभूज्ञान विभाग के रूप में तैनात किया गया है, जबकि प्रियंका मैरी फ्रांसिस को समवर्ती प्रभाव से मुक्त किया गया है। करीगौड़ा को निदेशक अटल जन स्नेही केंद्र पाटिल याला गौड़ा शिवनगौड़ा उपायुक्त तुमकुरु जिले को स्थानांतरित कर आयुक्त कृषि विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। जगदीश जी को कर्नाटका राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। इस बीच डॉक्टर महेश एम को कर्नाटका औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी सदस्य के रूप में तैनात किया गया है। इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि कांग्रेस सरकार द्वारा वादा की गई मुफ्त बिजली गारंटी योजना के लिए वास्तव में कौन पात्र होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि जो लोग 200 यूनिट के भीतर बिजली की खपत करते हैं उन्हें बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अधिकारियों और खुद सीएम ने समझाया था कि 12 महीने की खपत का औसत लिया जाएगा और उसे 10% अधिक मुफ्त माना जाएगा। उनके मंगलवार के स्पष्टीकरण ने मामलों को और उलझा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि शक्ति गारंटी व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किरायेदारों के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त भी लागू है। हम किराए के घरों में रहने वालों को मुफ्त बिजली 200 यूनिट तक प्रदान करेंगे। जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं उन्हें बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार नौवीं अनुसूची के तहत एससी एसटी के लिए आरक्षण वृद्धि को शामिल करने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के आंतरिक आरक्षण पर भ्रम पैदा किया था, हमारी सरकार सभी भ्रमों को समाप्त कर देगी। अवसरों से वंचित लोगों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन ओपन है, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञान सुधा PU कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञान सुधा PU कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। शहर बीदर के
www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन से दूर रह सकती है। गौड़ा ने कहा कि सभी दलों का भाजपा से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी पार्टी दिखाओ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से जुड़ी नहीं थी। उन्होंने कहा, और देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताने के सवाल को भी टाल दिया। गौड़ा की प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश के बाद आई है। गौड़ा ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का ध्यान अब आगामी जिला पंचायत, तालुका पंचायत और बीबीएमपी चुनाव पर है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के नतीजों से पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए। आने वाले चुनाव पर ध्यान दें, अपनी ताकत को जानें और उसके आधार पर रणनीति बनाएं। तय करें कि हमें किन निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहिए। जेडीएस सुप्रीमो संसदीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि मैं 91 साल का हूं। यह समिति तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने चुनाव जीतने की गारंटी देने और फिर कई शर्तें पेश करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कि विपक्ष लोगों को सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसा रहा है, उन्होंने कहा, जेडीएस को कांग्रेस सरकार पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं है। हम उन्हें अपने वादों को पूरा करने के लिए उचित समय देंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा ने चुनाव में पैसे के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए लोगों से इस बात पर गंभीरता से सोचने का आह्वान किया, क्योंकि इससे लोकतंत्र पटरी से उतर सकता है। वह पूर्व सीएम एसआर बोम्मई के जीवन पर द रेडिकल ह्यूमनिस्ट का विमोचन करने के बाद बोल रहे थे। हालिया चुनाव इस बात का उदाहरण है कि कैसे पैसे लोकतंत्र में खतरनाक भूमिका निभा रहा है, लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। इस बारे में गंभीर आत्मनिरीक्षण होना चाहिए और हमें इसे रोकने के लिए लड़ना चाहिए। कृष्णा ने याद किया कि कैसे एसआर बोम्मई के दृढ़ संकल्प ने राज्यपालों के असंवैधानिक प्रथा को समाप्त कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हालांकि बोम्मई थोड़े समय के लिए सत्ता में थे, लेकिन उन्होंने जो प्रशासन दिया वह अभी भी एक उदाहरण है। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराटी, सुतूर मठ के शिवरात्रि देशिकेंद्र स्वामी, पूर्व मंत्री आरवी देशपांडे, पीजीआर सिंधिया, बीएल शंकर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के संपादक संतावना भट्टाचार्य और अन्य उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने दिवंगत पिता और पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक द रेडिकल ह्यूमनिस्ट के विमोचन के अवसर पर उनकी यादों को साझा किया। भावुक बोम्मई ने याद किया कि कैसे उनके पिता उन्हें हाथ पकड़कर स्कूल ले जाते थे। हालांकि वह बाहर बड़े कद का व्यक्ति थे, वह घर में सरल थे। उन्होंने हमें खाना खिलाते हुए समानता के महत्व पर बुनियादी पाठ पढ़ाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और एसएम कृष्णा के बीच एक समानता थी जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तीनों ने बिना किसी गॉडफादर के राजनीति में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से ही इसे संभव बनाया है। बोम्मई ने कहा कि अलग अलग दौर के नेताओं की उपलब्धियों को मापने के लिए एक ही मापदंड सही नहीं है। बोम्मई ने कहा कि उनके पिता द्वारा लिए गए कुछ फैसले आज भी प्रासंगिक हैं। यदि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता किया होता तो वे सत्ता में बने रहते, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि वह इसे देख चुके हैं और दूसरों के लिए रास्ता बना चुके हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा गोवध विरोधी कानून को खत्म करने के प्रस्तावित कदम का विरोध कर रहे भाजपा नेताओं ने मंगलवार को यहां एक गाय की पूजा की। फ्रीडम पार्क में जमा हुए नेताओं ने पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन की यह पूछने पर आलोचना की कि जब मांस के लिए भैंसों को मारने की अनुमति है तो गायों को मारने में क्या गलत है। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले अधिनियम ने किसानों के बोझ को जोड़ा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सीएन अश्वथ नारायण, जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि सरकार को बिजली दरों में हालिया बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों पर बिजली बढ़ोतरी का बोझ डाल रही है। पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर, बेंगलुरु केंद्रीय सांसद पीसी मोहन, राज्य महासचिव एमएलसी एन रवि कुमार, राज्य सचिव केशव प्रसाद, विनय बिदारे, विधायक सीके राममूर्ति, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी चालुवाड़ी नारायण स्वामी, एमएलसी गोपीनाथ रेड्डी,
जिला अध्यक्ष नारायण, मंजुनाथ, एनआर रमेश विरोध में शामिल है। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान के कारण अगले 3 से 4 दिनों में तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा मंगलवार 6 जून को जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच तेज गति वाली हवाएं कर्नाटक, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों से टकरा सकती हैं। दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से आंतरिक भाग में भी कुछ वर्षा होने की उम्मीद है, क्योंकि चक्रवात अरब सागर में उत्तर की ओर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चक्रवात का प्रभाव बुधवार 7 जून की शाम या गुरुवार 8 जून की सुबह से स्पष्ट होगा। कर्नाटक स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर KSNDMC के एक वैज्ञानिक ने बताया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आमतौर पर तट पर देखी जा सकती हैं, लेकिन अगर गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाती है तो वे कुछ नुकसान कर सकती हैं। IMD के अधिकारियों ने कहा कि बेंगलुरु में अगले 48 घंटों में बिजली और गरज के साथ अलग अलग इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भले ही राज्य के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट है, लेकिन बेंगलुरु में इस समय भारी बारिश होने की उम्मीद है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में 11 IAS अधिकारियों का तबादला। मुफ्त बिजली पर सिद्धरामैया की टिप्पणी से कर्नाटक में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। JDS विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हो सकता है, HD देवेगौड़ा ने दिए संकेत। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चली आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। KP News के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।